जी अस्सलाम वालेकुम सलाम रहमतुल्ला। वरहमतुल्ला। शेख, मुझे एक तरीका जानना है आपके, मतलब आपके यहाँ से, कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि, जैसे लड़के वाले कहते हैं कि हमें नहीं लेना है कोई चीज़ शादी में, ठीक है, वो पूरी जी तरह से अपनी बात पे जो है वो अडिग है कि नहीं हमें नहीं लेना तो नहीं लेना है। लेकिन अगले वाले जो है, लड़की वाले जो है, वो कहते हैं कि हम आपको नहीं दे रहे हैं, हम लड़के को दे रहे हैं। हम ये भी समझाते हैं कि ये सामान सारे लोग यूज करेंगे तो आप हमें कैसे दे रहे हैं, या पूरे घर वाले को दे रहे, दहेज के हिस्से से दे रहे, तो इसको जी हम किस तरह से अगले को हम समझा सकते हैं कि नहीं हमें कुछ नहीं लेना है या आपसे कुछ नहीं चाहिए। जी वाज़े है सवाल। उनका जी सवाल ये है जी कि बहुत सारे लड़की वाले जहेज जो है जबरदस्ती देते हैं। जी उनको जी समझाने का तरीका ये है, आप उनको बैठा करके चाय वे पिलाइए, पानी उनी पिलाइए, जब उनका दिमाग ठंडा हो जाए थोड़ा सा, तो उनको जी बताइए कि मेरे भाई, ये जो जहेज है, जो शक्ल इख्तियार कर चुका है, जहेज की रस्म जो शक्ल इख्तियार कर गई है, हम जी लोग इसको खत्म करना चाहते हैं, और इस खत्म करने में आप हमारा ताउन कीजिए। ठीक है, आप अपने रजामंदी से दे रहे हैं तो आपका देना और मेरा लेना जायज है, बगैर किसी जी दबाव के आप दे रहे हैं तो आपका देना भी जायज है, मेरा लेना भी जायज है। लेकिन चूंकि हम जिन हालात से गुजर रहे हैं, ये हालात ऐसे हैं जहां पर कुछ जायज चीजों से भी हमें रुकना होगा ताकि उस बीमारी से हम लड़ सकें, तो आप हमारा ताउन जी कीजिए, हम इसको खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि आप अपनी मर्जी से दे रहे हैं, मैं जानता हूं कि आप अपनी मर्जी से दे रहे हैं, लेकिन दुनिया तो नहीं जानती है। आपका पड़ोसी जब कल को शादी करेगा अपनी बच्ची की, तो आपने इतना सारा दिया हुआ है, वो अपनी बच्ची को खाली हाथ कैसे भेजेगा? वो भेजते हुए शर्माएगा, तो मजबूरन वो भी जो है देने की कोशिश करेगा। तो हम इसको खत्म करना चाहते हैं, इसमें आप हमारा ताउन कीजिए, और इसको इस जज्बे से कीजिए कि हम इस गलत रिवाज को खत्म करके एक नेक काम करना चाहते हैं। अगर आप इस तरह से समझाएंगे तो कोई भी साहिबे ईमान होगा तो उसके समझ में बात आएगी। बस जी आप फकत जो है ऐसे कहते रहे, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, और बाकी जो है फिर आने दीजिए, तो ऐसे नहीं खत्म होगा।